नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना। अभी हम मौजूद हैं पटना के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल में, पीएमसीएच, और यहां हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जो चौंका देने वाली है। आपको पता है कि अभी जिस तरह से कोरोना के संक्रमण जो है वो फैलते जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए लगातार सरकार जो है वो एहतियात बरत रही है, लेकिन दावे तो बहुत कर रही है, लेकिन ये दावे कितने सच हैं वो आपको इस तस्वीर के माध्यम से पता चल गया होगा। आपको बताते चलें कि आईसीएमआर ने ये निर्देश दिए हैं कि इस तरीके के जो पीपीई किट हैं उसको विशेष रूप से नष्ट करना है। लेकिन क्या लगता है कि ये जो सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल है पीएमसीएच का, उसमें ये विशेष रूप से इसको नष्ट किया जा रहा है? ये तो कोरोना को बुलावा एक संकेत है। ये तो इससे ऐसा आप देख लीजिए यहाँ पे कि कौवा यहाँ पे है, कुत्ता है, और कौवा जो है वो कोई ग्लव्स लेकर उड़ रहा है, कोई पीपी किट लेकर उड़ रहा है, तो ऐसे में, और वो कहीं दूर दूसरे जगह बैठ भी रहा है, तो ये तो कोरोना जो है वो और इसका जो चैन है और ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। अगर सरकार को सचमुच में कोरोना से अगर बचाना है तो भाई साहब दो मिनट के लिए रुक जाइएगा, आप जो है इस रास्ते से गुजर रहे हैं कितना डर लग रहा है। तो ये देखिए, लोग यहाँ रुकना नहीं चाह रहे हैं, चाहते तो वो जवाब भी दे सकते थे, लेकिन उनको खुद डर है कि अगर हम यहाँ कुछ देर रुक जाते हैं तो हमें भी कोरोना का डर हमें भी कोरोना कहीं ना हो जाए, इसका डर उनको लगा हुआ है। तो ये तस्वीर आपको है जो चौंका देंगे, क्योंकि ये पीएमसीएच है और यहाँ पे कोविड-19 का भी इलाज किया जाता है, और इलाज करने के बाद में यहाँ जांच भी होती है, और जब जो कोविड-19 के जो पीपी किट पहन करके स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वो ट्रीटमेंट करते हैं, वो यहाँ किस तरीके से फेंकते हैं। और आप इसी के बगल में अधीक्षक का भी ऑफिस है। सर, आप इधर से आ रहे हैं, और ये जो संक्रमण का ये जो खतरा फैला हुआ है इतना ज़्यादा, कितना डर लग रहा है आपको उधर से आने में? ये तो कई दिनों से यहाँ पे पड़ा रहता है ऐसे ही, और अभी तो कुछ दिन पहले पीपीई किट वगैरह भी यहीं से मतलब फेंका गया था, बहुत बहुत सारा। मतलब बीमारी तो फैलती ही, मच्छर वगैरह तो आता ही है, और अभी जो कोरोना चल रहा है तो इस समय तो और भी मतलब खतरा है। जैसे बीमारी तो मतलब ये वायु से होता ही है। और आपको पता होगा कि पीएमसीएच के कई ऐसे डॉक्टर हैं जो वो भी संक्रमित हो गए हैं, और इससे तो और ज़्यादा संक्रमण फैलने का डर है। हाँ बिल्कुल, अब जो पीपीई किट जो प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए वो ना होकर यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फेंका है, यहाँ पे फेंका है, तो मतलब इससे फैलने बीमारी तो ये तो यूज़ किया हुआ है तो बीमारी तो फैलने की मतलब पूरी संभावना है इसमें। बगल में अधीक्षक का ऑफिस है, और क्या लगता है कि ये जो पीएमसीएच के जो गाइडलाइन है उसको आप किस रूप से देख रहे हैं? देखा जाए तो देखिए, अब बगल में सुपरिंटेंडेंट का ऑफिस है, हमारा हॉस्टल है चनक्या, फिर धनवंतरी है जहाँ सारे बच्चे रहते हैं जो पढ़ाई करने आए हैं, तो ये देखकर मेरे ख्याल से मतलब करना चाहिए, इस बारे में सोचना चाहिए प्रशासन को, ताकि बीमारी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, हम पोस्ट ग्रेजुएट हैं यहाँ पे। हाँ तो बताइए, ये देखिए, ये लोग खुद भी मान रहे हैं कि इससे संक्रमण फैल सकता है, तो अब सोचना यही, देखना यही होगा, और इस पर विचार भी करना होगा कि क्या इसी तरीके से जो पीपी किट है वो फेंके जाएंगे या फिर इसको नष्ट भी किया जाएगा। क्योंकि एक तरफ जहां सरकार दावे करती है, लॉकडाउन कर रही है, काफ़ी कुछ एहतियात बरतने को कह रही है, जो सड़कों पर बिना मास्क के मिल रहे हैं उसको चालान काट दे रही है, उसको उससे पैसे वसूली कर रही है, तो ये कहाँ तक सही है? आप देख लीजिए कि क्या व्यवस्था है सरकार का, और क्या व्यवस्था है अस्पतालों का, और जो सरकार के जो चमचे हैं वो कुर्सी पर बैठ करके ऐस मौज कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि बाहर में क्या हो रहा है, लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, उनका इसका उन लोगों को कोई परवाह नहीं है। ये बगल में सुपरिटेंडेंट का ऑफिस है और पटना के अधीक्षक हैं, अभी वो निश्चिंत पड़े हुए हैं, उनको कोई परवाह नहीं है कि पीएमसीएच में क्या हो रहा है। पीएमसीएच में मैंने जब से एंट्री किया, क्योंकि यहाँ खतरों से खाली नहीं है, और खतरों में ही हम यहाँ पे एंट्री किए हैं, चप्पे चप्पे पर यहाँ पे ग्लव्स है, मास्क है,
सील हेड का जो है वो फेंका हुआ है, पीपी किट फेंका हुआ है, अधीक्षक के बगल में फेंका हुआ है, तो ये कहाँ तक की व्यवस्था सही है? तो आप नहीं लगाम लगाइएगा तो कब लगाम लगाइएगा? जब पूरा बिहार जब मर जाएगा तब आप लोग जागिएगा? ये आप लोग का दावा कहाँ जा रहा है? यहाँ पे पशु पक्षी जो है वो इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, वो एक दूसरे जगह बैठेंगे, उसके घर में जाएंगे, तो इससे क्या कोरोना नहीं फैल सकता है? ये सबसे डरा देने वाली तस्वीर है। अगर अभी से भी लोग अगर नहीं सतर्क होंगे, सावधान नहीं होंगे, तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा खतरा साबित हो सकता है। अब देखना यही होगा कि क्या सरकार जागती है या ऐसे ही घोर निद्रा में सोई रहती है, अस्पतालों की व्यवस्था जो है वो ठीक करती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी जिस तरीके से अस्पतालों का जो व्यवस्था है और जो रवैया है वह बिल्कुल तरीके से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, आम लोग के साथ में ऐसा खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, खास करके मरीजों के साथ। लोग दूर दूर से पैदल चल करके, अभी लॉकडाउन है, कहीं कोई गाड़ियां नहीं मिल रही है समय पर, फिर भी लोग आ रहे हैं अस्पतालों में जांच कराने के लिए, इलाज कराने के लिए। लेकिन व्यवस्था यहाँ का देखिए कि किस तरीके से लोग अगर पीएम क्षेत्र में आ जाएंगे तो वो बिना पॉजिटिव होकर के नहीं जाएंगे। तो अब आप पे तय करती है, अपना ओपिनियन जो है, अपना कमेंट्स जो है वो जरूर इसमें साझा करें कि आपका क्या राय है, और इस खबर को खूब से खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग जाने कि पटना के पीएमसीएच सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल का क्या अभी दशा है। इस खबर में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे, अच्छी तो आपको बहुत ज़्यादा लगेगी, और इसको अभी और लोगों के साथ आप शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और हजार जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। आवर हार्ट नेवर हार्डन्स, आवर टेंपर नेवर टायर्स, आवर टच नेवर हर्ट, वी वैल्यू व्हाट वी डू। वी आर पारस, वर्क फॉर कॉज नॉट फॉर क्लॉज। लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।